हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ हेयर ट्रांसप्लांट की लाइव सर्जरी। तो सबसे पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी लोगों ने, यहाँ पे सर्जन भी रेडी हैं, सब पूरा टीम रेडी है और आप सभी लोगों ने, हम लोगों ने मास्क और कैप पहन लिया, स्टाइल ड्रेस पहन लिया। तो इसमें ओटी में एंटर होने से पहले दोस्तों ड्रेस चेंज करना होता है और मास्क लगाना होता है और कैप लगाना होता है, क्योंकि ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। तो इसमें सभी चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। सर्जन इसमें इस बात के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं कि ओटी में जो भी चीज़ें यूज़ हो रही है वो स्टाइल हों। एनेस्थेसिया मशीन भी आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, ये पूरी सेफ्टी के साथ होने वाला प्रोसीजर है। और ये देखिए इमरजेंसी ट्रॉली रखा हुआ है यहाँ पर। तो आजकल दो लोग बाग मतलब बहुत एक एक कमरे में है ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो वो आपके लिए सेफ़ नहीं है दोस्तों। तो ये पूरा सेफ्टी के साथ होना चाहिए प्रोसीजर। सबसे पहले आप देखने के, देखिए स्लिट्स बन रहे हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट में जो प्रोसेस होता है उसमें कि प्लांट किया जाता है हेयर्स को, तो पहले उसमें एनेस्थेसिया, लोकल एनेस्थेसिया दिया जाता है, जैसे कि पूरा जो एरिया है जहाँ पर प्रोसीजर करना है वो सून हो जाए। तो पहले फ्रंट एरिया को सून किया गया है, जिसमें कि वो जो सर्जन होल कर रहे हैं उस होल में जो आपके ग्राफ्ट होते हैं उसको प्लांट कर दिया जाता है। तो इसके लिए हार्वेस्ट किया जाता है बाद में। तो अभी सबसे पहले इसको स्लिट्स बना के छोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें सेफ्टी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है कि आपको पहले तो ये प्रोसीजर एक प्लास्टिक सर्जन के द्वारा ही कराना चाहिए, जो कि इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, क्योंकि ये बेसिकली एक हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि आप कहीं गए और करा के एकदम से आ गए। तो ये एक सेफ़ हैंड्स में होना चाहिए, जैसे कि देख रहे हैं आप सर्जन कितने बारीकी से उसको पेशेंट को सीरिंज से एकदम बारीकी से सुन करके और स्लिट्स बना रहे हैं। तो आप ब्लड भी देख सकते हैं दोस्तों कि ब्लड आ रहा है इसमें। तो मतलब ये एक सर्जिकल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक कॉस्मेटिक में एक आपको गए और आपने किसी भी दुकान पर करा के आ गए। ये एक सर्जिकल प्रोसेस है, मैं बार बार इस बात पर जोर डाल रहा हूँ कि आप देख सकते हैं अब ये हार्वेस्ट हो रहा है ग्राफ्ट। तो एक ड्रिल होता है, ड्रिल मशीन के थ्रू बालों को, ये एक एफ यू टेक्निक है दोस्तों, इसको एफ यू टेक्निक बोलते हैं। तो इसमें एक ग्राफ्ट को अनसर्कल करके निकाला जाता है। तो ये थोड़ी लंबी प्रोसेस होती है, इसमें कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं और डिपेंड करता है कि कितने ग्राफ्ट निकल रहे हैं, कितना ग्राफ्ट निकल सकता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इसमें टीम वर्क होता है एक्चुअली। ये तो इसमें सर्जन का पूरा टीम लगता है। तो ये देखिए कि हमारे प्लास्टिक सर्जन कैसे ग्राफ्ट को निकाल रहे हैं एक एक करके, और इन ग्राफ्ट को दोस्तों एक सलाइन के बॉल में रख लिया जाता है स्टोर करके एक टेम्परेचर के ऊपर। मतलब ये हर कहीं रखा जा सकता है क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो उसको एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाता है। उसके बाद दोस्तों देखिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लांटेशन स्टार्ट हो गया है। तो एक एक ग्राफ्ट को जो पहले स्लिट्स बनाए गए थे, जो छेद किए हुए थे, उसमें एक एक ग्राफ्ट को उठा उठा के बारीकी से रख रहे हैं। उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ग्राफ्ट डैमेज ना हो जाए, उसका रूट ख़राब ना हो जाए। उसका अगर रूट ख़राब हो गया तो फिर आपका हेयर ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट पर काफ़ी असर पड़ सकता है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ दो सर्जन लगे हैं प्लांटेशन करने में, एक जगह से राइट से, एक लेफ्ट साइड से, तो ताकि टाइम कंज्यूमिंग रहता है प्रोसेस, तो जल्दी हो जाए, नहीं तो क्या जितनी देर जब ग्राफ्ट बाहर लग रहेगा तो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए सर्जन इस बात का बहुत बारीकी से ध्यान रखते हैं। आप देख रहे हैं इधर पे पीछे से एक इरीगेशन भी हो रहा है, जैसे एक सलाइन वाटर को इरीगेट कर रहे हैं, ग्राफ्ट को इरीगेट कर रहे हैं, जिससे कि वो हाइड्रेटेड रहे। तो ये प्रोसेस दोस्तों मतलब लोग बाग आजकल कहीं पे भी करा लेते हैं और आप मतलब सेफ्टी के साथ नहीं कराते तो आपके इसमें इन्फेक्शन के चांसेस भी हो सकते हैं। तो मैं बार बार आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ये प्रोसेस एक बहुत भी लाइट नहीं लीजिए इसको भी, एक प्रोसेस ऐसा है कि मतलब सेफ़ हैंड्स में होना चाहिए, एक सर्जन के, एक प्लास्टिक सर्जन के द्वारा ही होना चाहिए। तो देख रहे हैं सर, आप लोग देख रहे हैं कितना बारीकी से इसको प्लांट किया जा रहा है और ये पूरे 5500 ग्राफ्ट पूरे इस पेशेंट को लग चुका है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, पर मैं आपको जो बताना चाहता था इसमें कि ये पूरी सेफ्टी और हाइजीन को मेंटेन करके हुए किया जाता है प्रोसेस। तो आप मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने और भी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पे, और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।